विद्यापति के बाद श्रेष्ठ गीतकारों में शामिल थे रविंद्रनाथ ठाकुर। मैथिली कला साहित्य व सिनेमा जगत के महानायक रविंद्रनाथ ठाकुर का बुधवार को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे विगत कुछ वर्षों से कैंसर से पीड़ित थे। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को हरिद्वार में किया जाएगा। उनके निधन की खबर आते ही संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। साहित्यकार डॉक्टर भीमनाथ झा ने कहा कि वे स्वयं ठाकुर स्नातकोत्तर करने के बाद बिहार सरकार के वित्त विभाग में नौकरी करते हुए उन्होंने मैथिली साहित्यकाश को जो ऊंचाई दी वो हमेशा प्रसन्नीय और अनुकरणीय बना रहेगा। डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी ने कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर का दरभंगा व मैथिली की धरती से अन्योन्याश्रित संबंध रहा और दरभंगा की मिट्टी उन्हें सदैव सम्मानित ढंग से स्मरण करती रहेगी।